हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड नए ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल हम लोग कहीं घूमने जा नहीं पाए क्योंकि लेट हो गए थे, वहाँ काम में बिजी थे, घर से भी लेट हो गए थे एंड कहीं हमारा जो डेस्टिनेशन था जाने का नहीं जा पाए। लेकिन आज हमने प्लानिंग करी है एंड हम लोग जा रहे हैं दोस्तों कुतुब मीनार। अगर आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कुतुब मीनार देखी होगी, हो सकता है कुछ ने नहीं देखी होगी, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो आज हमारे साथ पूरी वीडियो देखें। आपको पूरी जानकारी, छोटी से लेके बड़ी जानकारी, पूरी कुतुब मीनार की हम देंगे इस वीडियो में। और हम पूरी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, मैं, अनीता, बच्चे, मम्मी एंड मेरे भाई की वाइफ। भाई जो है शादी में गया, वो नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग जा रहे हैं सारे घूमने के लिए। अचानक प्लानिंग बनी, चलो चलते हैं कुतुब मीनार। तो आपको दिखाते हैं, कुतुब मीनार की तरफ चलते हैं एंड कुतुब मीनार के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय द वीडियो। और पूरी वीडियो देखना, आप बीच में मत स्किप कर देना एंड लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है आपको। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, तभी आगे और भी वीडियो आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी। ये वीडियो तो अच्छी होने ही वाली है। सो लेट्स गो, चलते कुतुब मीनार की तरफ। तो बच्चों कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए? कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुब मीनार जा रहे हैं घूमने। हाँ। अच्छा तो चले। तो ठीक है, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। ओ, कितनी सारी भीड़ है हमारी गाड़ी में। आ जाए, कितने जने बैठे हैं हम इसमें? आठ जने बैठे हैं वैगन आर में, हम 8 जने बैठे हैं दोस्तों। और अब कुतुब मीनार की तरफ चलते हैं, रास्ते पे खड़े हैं मैरोली वाले पे, तो चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। लेट्स गो। गाइस, कुतुब मीनार पहुंच गए और गाड़ी पार्क कर दी है। पार्किंग के लगे 10 रुपये और बाकी चार्जेस जाने के बाद पता चलेंगे। कुतुब मीनार पे पहुंचने पे बहुत ज़्यादा रश था, लोगों को पता ही नहीं है टिकट ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन, तो बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें थी। लेकिन मुझे 5 मिनट लगे बस, क्योंकि मुझे पता था ऑनलाइन टिकट हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने QR कोड स्कैन किया और तुरंत पेटीएम से अपनी पेमेंट कर दी। बच्चे एक टिकट पर 3 ही अलाउ हैं, लेकिन मैंने एक बच्चे की टिकट जो है एडल्ट के उसमें ली है। तो गाइज, जैसे ही हम कुतुब मीनार के गेट से अंदर जाते हैं तो सीधे हाथ पर पड़ता है एक बाग, चार बाग शैली से बना हुआ है, और उसके जस्ट सामने है एक मस्जिद, बहुत ही पुरानी मस्जिद है जो बनी हुई है। उसके ऊपरी हिस्से में गोल गोल गुंबद हैं बड़े बड़े, और उसमें आप जाके, मस्जिद ही है वो, जूते पहन के जाना अलाउ नहीं होता, आप जा सकते हैं या विजिट कर सकते हो अंदर जाके। मेरे पीछे है जस्ट, अभी अंदर चलते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इसमें, वो देखेंगे सारे। घूमने चले, चलो हेलो हेलो चलो चले। कैसे हो? आप बाल कर दिया? हम
घूमने आए हैं। कहाँ पे घूमने जा रहे हो? घूमने कहाँ पर? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने तैमूर राजपूतों से दिल्ली को छीना, जो कि दिल्ली के संस्थापक माने जाते हैं। तैमूर राजा अनंगपाल ने संभवतः पहला नियमित रक्षा संबंधी कार्य किया था, जिसे लालकोट कहा गया, जिस पर पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा किया और उसका विस्तार राय पिथौरा तक करवाया। कुतुब मीनार के आसपास इसके बहुत से अवशेष मिलते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में ताराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और लालकोट को गिराकर ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि पहले मुस्लिम शासक थे, 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। गाइस, कुतुब मीनार के गेट पर पहुंचते ही दाहिने हाथ पर है मस्जिद और एक चारबाग शैली से बना हुआ बाग। उससे जब आगे एंटर करते हैं तो एक बड़ा सा गेट आता है। गेट के जस्ट लेफ्ट हैंड पर ही एक चबूतरा सा बना हुआ है, जिस पर तीन कब्रें हैं। उसके बाद और दो कब्रें हैं एक चबूतरे पर, बाकी कई यहाँ पर बहुत सारी आप देख सकते हो 6-7 कब्रें हैं। एंड मेरे सामने एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको नज़दीक से जाके देखते हैं क्या है ये। तो गाइज, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यह है अलाई मीनार। ये बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई की एक मीनार बनवाए, लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया, क्योंकि जब ये बननी शुरू हुई और इसकी ऊंचाई करीबन 24.5 मीटर है, तो उससे पहले ये पूरी होती, उससे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी मृत्यु हो गई और ये दीवार मीनार जो है इतनी ही बन पाई। तो आइए चलते हैं आगे के स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो थी अलाई मीनार। दोस्तों, अलाई मीनार से जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये सामने पड़ता है कब्रिस्तान है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी कब्रें हैं, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे एंड बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है कब्रिस्तान। तो बहुत सारे लोग इन पे सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह खिंचवाते हैं चढ़ के, तो गार्ड यहाँ पर चढ़ने के लिए मना करेगा, क्योंकि कब्रों के ऊपर चढ़ना ठीक नहीं है। तो ये कब्रिस्तान है, बाकी आगे चलते हैं। अलाई मीनार से जस्ट आगे है ये। दोस्तों, गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में खुद इल्तुतमिश ने बनवाया था। यह मकबरा गुंबद से ढका हुआ था। ऐसा माना जाता है गुंबद गिर गया, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा गुंबद को बनवाया, लेकिन सुल्तान की किस्मत देखिए, यह गुंबद फिर भी नहीं टिका। बाहर से मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन गेट व अंदर से शानदार नक्काशी है। इसमें चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरे जैसी आकृतियां
उभारी गई हैं। सन 1235 में सुल्तान एक युद्ध के दौरान बुरी तरह से बीमार पड़ गया और अंतिम समय में उसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। दोस्तों मेरे पीछे जो है यह है इल्तुतमिश की कब्र। ये इल्तुतमिश का मकबरा है और जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। 1235 में इसका निर्माण करवाया गया था। गाइस जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं खिलजी का मदरसा। खिलजी का मदरसा है तो मदरसा में बच्चों को शायद हो सकता है एजुकेशन दी जाती होगी। खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था एंड इसमें छोटे छोटे कमरे हैं एंड पीछे की तरफ एक दरवाज़ा और सामने की तरफ हर कमरे में दरवाजे हैं। बीच में देखो खम्भे हैं, दो खम्भे उधर हैं और एक खम्भा इधर है बीच में। ये झरोके जैसा लग रहा है। दोस्तों ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। एक कब्र यहाँ पर देख पा रहे हो आप, पीछे बिल्कुल समतल हो चुकी है जमीन से एंड एक कब्र इसके बगल में है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एक कब्र किसकी है, ये और विवादित भी है। लेकिन यहाँ पर दो कब्रें हैं, एक तो ये समतल वाली है, एक बीच में जो बड़ा स्ट्रक्चर है मैं दिखाता हूँ आपको। पीछे जो देख पा रहे हो ये कब्र है अलाउद्दीन खिलजी की, विवादित कब्र है। एक कब्र उधर की साइड है दूसरे हिस्से में और ये बड़ी वाली कब्र है, वो तो ऑलमोस्ट जमीन में मिल चुकी है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है क्योंकि इसको बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो बहुत सारे लोग इस पे आके बैठ जाते हैं क्योंकि इल्तुतमिश की कब्र में और खिलजी की कब्र में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं और ये नॉर्मल सीमेंटेड लगती है। ऐसा बताया जाता है इसके 5 फीट नीचे जो है खिलजी अलाउद्दीन खिलजी दफन है। हालांकि ये विवादित है, इसको कन्फर्म मैं भी नहीं कर सकता।
दोस्तों 1192 ईस्वी में कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाद में 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दुगना करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मस्जिद का विस्तार करवाया था और कुरान की आयतें इस पर लिखवाई। मस्जिद 121 फुट लंबे और 150 फुट चौड़े समकोण आकार के चबूतरे पर स्थित है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें स्पष्ट हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। पुरातत्व के दस्तावेजों में साफ तौर पर वर्णित है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 27 हिंदू व जैन मंदिरों के नक्काशीदार स्तंभों और अन्य वस्तुकला संबंधी खंडों से इसे बनवाया था। इस मस्जिद में स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति आज भी देखी जा सकती है, जिनको ज़्यादातर खंडित किया हुआ है, यानी कि तोड़ दिया गया है, उनके चेहरे नष्ट कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों मस्जिद के प्रांगण में मौजूद है लौ स्तंभ। लौ स्तंभ का इतिहास बहुत ही रहस्यमयी है और माना जाता है कि 1600 साल से भी अधिक पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे से बना है और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि लौ स्तंभ का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इसका पता उस पर लिखे लेख से चलता है जो गुप्त शैली का है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण बहुत पहले किया गया था और कुछ लोगों का मानना है कि सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो लेख लिखा हुआ है, खुदा हुआ है, उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा के विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने से खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल द्वारा दिल्ली लाया गया था। आप देख सकते हैं, देखो ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में कुछ इस पर खुदाई की गई है। दोस्तों मैं खड़ा हूं अभी कुवतुल इस्लाम मस्जिद में। ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में, और करीबन 3 से 4 साल लगे थे इसको बनाने में। इसमें जो इस्तेमाल किया गया है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, वो करीबन 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेषों से जोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। इस मस्जिद के बीचों बीच में स्थित है एक लौ स्तंभ, जो मैंने अभी आपको दिखाया और दिखा देता हूँ। एंड इसको बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके ऊपर जो खंभे के ऊपर है ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख लिखे हुए हैं, मैंने वो भी दिखाया आपको। तो सामने ये पीछे जो है आप पूरा देख सकते हो, ये है कुवतुल इस्लाम मस्जिद, एंड पीछे बड़ी सी मीनार कुतुब मीनार।
कौन सी जगह? ये कुतुब मीनार। कौन सी जगह? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। हेलो आप कैसे हो? हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। आप कैसे हो? घूमने जा रहे हैं। अच्छा, घूमने जा रहे हो? हाँ, ये मम्मी घूमने कुतुब मीनार आए हैं बेटा। पहले भी आई थी ना आप एक बार? बहुत दिन हो गए जब आए पापा के संग। अच्छा, पापा के संग। हाँ, 20 साल हो गए अब आए बच्चे इनके संग घूमने। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन आई हो घूमने? हाँ, बहुत दिन आए। पोता पोती भाऊ बेटा सबके संग में आए अब। अच्छा। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कार्य उन्होंने 1192 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया था इसका, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए इसको। बाद में इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तुड़वाकर चौथी और पाँचवीं मंजिल का निर्माण एक साथ करवाया। बाद में इब्राहिम लोधी ने भी इसकी पाँचवीं मंजिल का कुछ पुनरुद्वार या जीर्णोद्वार करवाया था। और ये पूरे भारतवर्ष की सबसे ऊंची मीनार है, करीबन 72.5 मीटर की इसकी हाइट है। दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर गोल आकार की 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार को जाम की मीनार से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। आप देख ही पा रहे होंगे, इस मीनार का नाम गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया। कुतुब का अर्थ है न्याय का ध्रुव, जबकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में बनी इस भव्य इमारत का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। क्या चाहिए तेरे को? कौन 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 क्या चाहिए? चिकन। चिकन। घूमे बच्चे खूब खेले खूब डांस किए बच्चे ने इतवित को कुलामा दिखाई खूब खूब डोले खूब खाओ खेलो खूब अच्छा रहे और बढ़िया। दोस्तों, मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण
अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो विस्तार करवाया गया उसी के दौरान ये दक्षिणी द्वार है उसका, इसको अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है इस पर सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के द्वारा। दोस्तों अलाई दरवाज़ा भारत की एक ऐसी पहली इमारत है जिसके निर्माण में इस्लामिक वस्तुकला का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अलाई दरवाज़ा को इस्लामिक वस्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा की प्रमुख संरचना जो है इसका एक सिंगल हॉल है जिसकी अंदर से लंबाई करीबन 35 फीट और चौड़ाई 56.5 फीट है। इसकी गुम्बददार छत की ऊंचाई करीबन 47 फीट है। अलाई दरवाजे में अष्टकोणीय गुम्बद का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किया गया है। जटिल ज्यामितीय गणनाओं के आधार पर गुम्बद को बेहद ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। गाइस पीछे आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये है इमाम जामिन का मकबरा जो कि उन्होंने खुद बनवाया था 1944 हिजरी में। इसको बनवाया था उन्होंने इब्राहिम लोदी के काल में, वो यहाँ पर आए थे तुर्कमेनिस्तान से। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो यहाँ पर है उसके निर्माण में उनका बहुत योगदान बताया जाता है। इसके गेट पर एक संगमरमर की पट्टी लगी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, वो आप पढ़ सकते हो, वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों सैंडरसन एएसआई के अधिकारी थे, कुतुब मीनार की खुदाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 1915 में उनकी विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। एएसआई द्वारा उनके सम्मान में 1919 में सूर्य घड़ी को कुतुब मीनार परिसर में इंस्टॉल करवाया गया। ये क्या कर रही है सृष्टि? बंदर की तरह लाइट कर रही है। बंदर है तू? हाँ। अच्छा गाइस कुतुब मीनार से अब वापस जा रहे हैं हम घर की तरफ। कुतुब मीनार बहुत सुंदर था, सबसे ऊंची मीनार है भारत की। एंड यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद,
अलाई दरवाजा, लौ स्तंभ, कई सारी चीजें थी और देखकर बड़ा मजा आया। पीछे कुतुब मीनार है, आप देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो बच्चों को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है और थक भी चुके हैं, ये थकावट हो गई है, खूब खेले ये। एंड मैंने पूरा आपको दिखाया ही होंगे, तो अब चलते हैं घर वापस। क्या खा रही सृष्टि? पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा खाए, डोसा पिज्जा। क्या खा रहे हो आप? हेलो, क्या खा रहा है? फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। पापा देखो, पेपाई करियो फ्रेंच फ्राइज।